हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनसाइड क्लीनिंग के बारे में। मतलब जब भी हम अपनी बाइक की चेन को क्लीन करते हैं, उसको ल्यूब करते हैं, किसी भी तरह के क्या ऑयल को यूज़ करते हैं उसकी चेन को ल्यूब करने के लिए, चेन ल्यूब्रिकेशन स्प्रे का यूज़ करते हैं, तो जो ऑयल रहता है वो यहाँ पर सारा चेन कवर में लग जाता है। चेन ल्यूब रहती है, साथ में जो ऑयल वगैरह जब बाइक को चलाते हैं तो उचटता है और इस तरह से लग जाता है, उसमें धूल मिट्टी वगैरह चिपक जाती है और वो इस तरह से गंदा हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह बार बार चिपकने से, उसमें धूल मिट्टी जमने से उसकी जो लेयर रहती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, लेयर थिक हो जाती है और कई जगह पर ऑयल लग जाता है। जैसे कि यहाँ नंबर प्लेट के पीछे भी लगा हुआ है, सस्पेंशन में थोड़ा सा ऑयल लग जाता है, व्हील वगैरह पे आ जाता है। तो व्हील वगैरह आप क्लीन कर सकते हैं, नंबर प्लेट को इजीली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पर और ज़्यादा ऑयल आ जाता है। जैसे कि हमारी बाइक की जो चेन रहती है वो इस तरह से चलती है, और जब भी हम अपनी बाइक को चलाते हैं तो इसी तरह से दोस्तों जो ऑयल वगैरह रहता है उसमें वो पूरा यहाँ से निकलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और चेन कवर जो रहता है उसमें, तो यहाँ पर गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए। क्लीन करने के लिए आप डीजल का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर डीजल का यूज़ करने वाला हूँ, मैं डीजल लेकर आया हूँ। आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो ओपन चेन सेट वाली बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, तो जो इस तरह की बाइक रहती है जिसमें चेन सिस्टम पूरा क्लोज रहता है, इसमें भी चेन इसी तरह से चलती है, लेकिन इसमें आपको जो गंदगी मिलेगी वो आगे की तरफ मिलेगी, थोड़ी बहुत आपको मिलेगी यहाँ पर चेन कवर की ऊपर तरफ, चेन कवर के नीचे तरफ मैक्सिमम मिलेगी आपको आगे की तरफ। तो इसको खोल के क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए। ये चेन सेट जो है पूरा क्लोज है, गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, फिर भी जितनी रहती है मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ इस बाइक में। तो दोनों को 8 नंबर से सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ये दोनों 8 नंबर के, इसको ओपन कर लेंगे, ये हो गया। इसके बाद नीचे वाला कर लेंगे, मैक्सिमम गंदगी जो रहती है वो ओपन चेन सेट वाली बाइक में हो जाती है अंदर की तरफ, उसको ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए। ये क्लोज चेन सेट वाली बाइक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ऑयल नहीं मिलेगा क्योंकि बार बार लूब नहीं करना पड़ता है चेन को, लेकिन इस तरीके का कचरा आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अपनी बाइक का ये जो अंदर का पार्ट है इसको क्लीन कर सकते हैं, जब आपको लगे कि टाइम हो गया है तो इसको क्लीन करके वापस फिक्स कर देंगे अपनी जगह पर। और यहाँ भी कुछ कचरा रहता है तो इसको भी क्लीन कर लेंगे। इससे होता यह है कि चेन को जब हम ल्यूब करते हैं तो ये कचरा वापस चिपक के चेन में आवाज़ क्रिएट करता है, और साथ ही में चेन के साथ जो कचरा आता है वो भी यहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है। तो जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया या फिर इसको क्लीन कर लेना चाहिए, तो इसको आप ज़रूर ओपन करके क्लीन करें, और जो हमारी बाइक का चेन कवर रहता है उसको भी क्लीन कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कचरा चिपक के इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा कम होता है, आगे वाली पार्ट में ज़्यादा होता है। तो चेन कवर को इस तरह से ओपन कर लेंगे, ये दोनों 10 नंबर के बोल्ट, ये देखिए यहाँ पर एक अंदर भी लगा हुआ है, तो इसको भी ओपन कर लेंगे। तो जिस बाइक में जिस तरह से रहेगा उस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आप देख सकते हैं कितना कचरा है, मतलब मैं अपनी बाइक का करता रहता हूँ फिर भी इसमें इतना कचरा लगा हुआ है। अब जो बात है वो आगे की बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो आगे वाला कवर रहता है, यहाँ पर जो टेन चेन का जो दाता रहता है, चेन टीथ रहता है, वो घूमता है, कचरा उसी के साथ आता है, और जब ल्यूब करते हैं तो उसी के साथ चला भी जाता है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर रुक भी जाता है। तो उसी को दोस्तों क्लीन करेंगे, सबसे पहले इसको 10 नंबर से ओपन कर लेंगे, ये गियर शिफ्टर जो रहता है, ये देखिए 10 नंबर से इसको ओपन कर लेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपकी बाइक का क्लीनिंग का टाइम हो गया तो आप कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों ओपन कर लेंगे दोस्तों 8 नंबर से, ये नीचे वाला हो गया है, इसके बाद ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भी हो गया है। अब इस कवर को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी कचरा है यहाँ पर, ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं, ऑयल वगैरह लगा है, उसी में कचरा चिपका हुआ है। तो चेन ल्यूब करते हैं, क्लीन करते हैं, तो सारा जो क्लीनिंग रहता है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसको क्लीन करेंगे और वापस पैक कर देंगे, ये देखिए दोस्तों, ये जब हम अपनी बाइक को चेन की क्लीनिंग करते हैं तो ये कचरा जो रहता है यहीं पे रहता है, चेन को ल्यूब करते हैं तो चिपक के चेन में वापस चला जाता है, उसी से साउंड क्रिएट होता है और चेन आवाज़ करने लगती है। इसमें दोस्तों आपको कचरा जो रहेगा वो धूल मिट्टी वगैरह या फिर छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल या फिर रेत मिलेगी, जो कि चेन से में आवाज़ क्रिएट करती है। तो इसको दोस्तों मैं क्लीन कर रहा हूँ डीजल से, मैं डीजल लेकर आया हूँ। आप चाहें तो पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको किसी कंटेनर में रख के डीजल इसके ऊपर डाल देंगे। मेरे पास ये चेन क्लीनिंग ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं कर रहा हूँ, आप चाहें तो टूथब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसको क्लीन कर देंगे सबसे पहले,
और उसके बाद चेन कवर को क्लीन करेंगे और वापस उसको फिट करेंगे। तो जैसा कि दोनों पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर सारा जो डीजल है उससे निकल चुका है, इसके बाद इसको बाइक में वापस लगा देंगे जिस तरह से निकाला हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ अंदर में जो क्लीनिंग रहती है उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। इसके बाद इस कवर को लगा देंगे, ये देखिए दोस्तों इस तरह से कवर को लगा देंगे वापस अपनी जगह पर। दोनों 8 नंबर के बोल्ट लगा देंगे, 8 नंबर के लगा के इस तरह से टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो गियर शिफ्टर रहता है इसको लगा देंगे, गियर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वापस अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। ये देखिए इसको टाइट कर देंगे, ये लग गया है। उसके बाद जो चेन कवर रहता है उसको लगा देंगे। जैसा कि चेन कवर भी अपनी जगह पर अच्छी तरह से लगा दिया है और सारा वर्क वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपनी बाइक के अंदर की क्लीनिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम हो पाती है। और दोस्तों इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।